तम्बकासुर से आज तक कोई नहीं बच सका, तो तू पशु होकर कैसे बच सकती थी? मारुति, यही जीवंती वृक्ष है। ऋषिवर, मैं जीवंती का पौधा ले आया। हे जीवंती वृक्ष, आपको मैं इन्हीं ग्रामवासियों के जीवन की रक्षा हेतु लाया हूँ। कृपया आप इनकी जीवन की रक्षा कर हमें कृतार्थ करें। ग्रामवासियों, अब आप लोग सुरक्षित हैं। अब आप सब अपने अपने घरों को जा सकते हैं। मारुति, इस जीवंती के प्रयोग से इन ग्रामवासियों का जीवन कुछ समय के लिए सुरक्षित हो पाया है। ये सुरक्षा स्थायी नहीं है। इस जड़ी के सेवन से विष का प्रभाव तात्कालिक रूप से ही निष्प्रभावी हो सकता है। इन सबकी पूर्ण सुरक्षा के लिए गौ के गव्य से हमें पंचगव्य तैयार करना होगा। हाँ तो तैयार कीजिए पंचगव्य ऋषिवर। पंचगव्य तैयार नहीं हो सकता मारुति। क्यों ऋषिवर? क्योंकि गव्य नहीं है। गव्य नहीं। नहीं है गौएं? कहाँ गई सभी गौएं? संसार में एक भी गौ नहीं है मारुति। सभी गौएं एक गौ में समाहित हो गई हैं। और उस विशेष गौ को लेकर तम्बकासुर पाताल की ओर चला गया है। और उस विशेष गौ को लेकर तम्बकासुर पाताल की ओर चला गया है।
अगर उस विशेष गऊ को कुछ हुआ तो समस्त गऊओं का अंत हो जाएगा, तो समस्त गऊओं का अंत हो जाएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी कि ऐसा अनर्थ ना हो, ये संसार गऊ विहीन ना होने पाए। आप निश्चिंत रहे ऋषिवर, मैं ये नहीं होने दूंगा। देखो असुरों, देखो हमारे शत्रु देवताओं को आश्रय देने वाली इस गऊ को कैसी सजी धजी निधन के लिए खड़ी है। अब यज्ञ में इसकी बलि देकर इसमें निहित सारी शक्तियों को हम धारण करेंगे। ले चलो इसे यज्ञ स्थल के पास। असुरराज, जैसे ही मैं यज्ञ की पूर्ण आहुति दूंगा वैसे ही आप इस गौ की गर्दन यज्ञ में आहुति देंगे। उस आहुति के साथ ही गौ की संपूर्ण शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। उस आहुति के साथ ही गौ की संपूर्ण शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है प्रोहित, यज्ञ आरंभ करो। असुरराज, ये यज्ञ एक सहस्त्र अष्ट आहुति का यज्ञ होगा जिसकी अंतिम आहुति के साथ ही गऊ एवं समस्त देवताओं का अंत हो जाएगा। तथा आपको देवताओं की संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं हो जाऊंगा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान। मैं ही सृष्टि को जन्म दूंगा, मैं ही इसका संहार करूंगा, मैं ही इसका पालनहार भी बनूंगा। दसों दिशाओं में केवल एक स्वर दीजिएगा, कंभ का सुर। पुरोहित, कितना अद्भुत और सुखद दृश्य होगा वो। मेरी आतुरता को समाप्त करो और शीघ्र यज्ञ आरंभ करो। क्या होगा, यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। जिन गौ माता के शरीर में हमने शरण ली है उनके उनके अंत का समय निकट आ गया है।
धर्म के साथ हमारा भी अंत हो जाएगा। हमारा अंत हो जाए इसमें कोई शोक की बात नहीं। हमें शोकाकुल और चिंताग्रस्त इसलिए होना चाहिए कि हमारे कारण गौ माता का जीवन संकट में है। अग्निदेव, पहले अपने ऊपर आए संकट के विषय में सोचिए। मेरे विचार से हमें गौ माता के शरीर से बाहर निकल आना चाहिए, तभी हमारी रक्षा हो सकेगी। नहीं नहीं, ऐसा करना गौ माता का अपमान होगा। एवं जब रुद्रावतार ने हमें गौ माता के शरीर में शरण दिलवाई है तो कुछ सोच समझकर दिलवाई होगी, और जब संकट की घड़ी आ गई है तो हमें स्वयं से कुछ निर्णय ना लेकर हमें अपनी रक्षा हेतु उन्हीं की पुकार लगानी होगी। वो अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि गौ माता का जीवन संकट में है। त्र्यंबकासुर उनका वध करने के लिए गौ मेध यज्ञ कर रहा है। ऋषिवर, गौ माता के साथ साथ देवताओं का जीवन भी संकट में है। ऋषिवर, मुझे उनकी रक्षा हेतु जाना होगा। यदि परिस्थितियां विपरीत हुई तब भी मुझे उनकी रक्षा हेतु जाना होगा। किंतु आप त्र्यंबकासुर को रोकेंगे कैसे? उसे तो त्रिदेव भी अपने दिए वरदान के कारण रोक नहीं सकते, असमर्थ है। फिर आप उसे कैसे रोकेंगे? आप चिंता ना करें महाबली काका, इस संसार में संकट के जन्म लेने से पहले निवारण का जन्म हो चुका होता है। मुझे नहीं पता कि त्र्यंबकासुर का अंत कैसे होगा, किंतु मुझे उसकी मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग Thank you.
असुरराज, यह एक सहस्त्र सप्तम आहुति पूर्ण हुई। अब इस यज्ञ को पूर्ण करने हेतु हम अंतिम आहुति देंगे, वो भी संविधा की नहीं, इस गौ के शीश की। और जिसे आपको स्वयं अपने हाथों से देनी होगी। असुरराज, मेरा मंत्र पूर्ण होते ही आपको इस गऊ की बलि इस यज्ञ में दे देनी होगी।
ऋषिवर, संसार में ऐसा संकट अब तक कभी उपस्थित नहीं हुआ। गौ माता के साथ साथ समस्त देवताओं का अस्तित्व भी संकट में घिर गया है। आपने सत्य कहा जामवंत जी, किंतु मारुति पर मुझे पूर्ण विश्वास है। रुद्र अवतार है वो, संकट मोचन है। समस्त देवताओं की शक्तियां उनके पास है, अवश्य ही वो संसार को इस संकट से उबार लेंगे। ऋषिवर, ऋषिवर, हमें पता चल गया है कि वो हमारी गौवें, जिनके पंचगव्य से हमारा विश्व समाप्त हुआ, हम पुनर्जीवित हुए, वे संकट में हैं। अब आप ही हमें बताइए कि उनकी रक्षा हेतु हम क्या करें। ग्रामवासियों, संकट के समय प्रार्थना बल ही सबसे बड़ा बल होता है, अतः हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना से ही उनका संकट समाप्त हो पाएगा। वानर बालक, तुम फिर आ गए। तंबकासुर, इस संसार में जहाँ जहाँ भी पाप होगा, अधर्म होगा, अन्याय होगा, वहाँ वहाँ धर्म भी होगा, अन्याय भी। ठीक उसी प्रकार जहाँ जहाँ तुम्हारे जैसा पापी होगा, उसे दंड देने हेतु वहाँ वहाँ मैं आऊंगा। क्रम है तुम्हारा, अब से संसार में धर्म भी मैं हूँ और अधर्म भी मैं, सत्य भी मैं और असत्य भी, असुर भी मैं हूँ और सुर भी। अब से संसार में केवल मैं हूँ, इस सृष्टि के कण कण में केवल मैं दिखूंगा, मैं तंबकासुर। तंबकासुर, ये तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारा अहंकार है, जो तुम स्वयं को ईश्वर समझने लगे हो। तनिक सोचो तंबकासुर, कि जिस ईश्वर से तुम एक तुच्छ सा वरदान प्राप्त कर इतने शक्तिशाली बने हो, तो वो ईश्वर कितना शक्तिशाली होगा। किंतु दुर्भाग्य ये है कि तुम्हें ये सत्य दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तंबकासुर, तुम विनाश के कगार पर खड़े हो। विनाश मेरा नहीं, विनाश आज तुम्हारा होगा वानर बालक, तुम्हारा। ठीक है तंबकासुर, इस बात का निर्णय भी अभी हो जाएगा। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। कौन करेगा मुझसे युद्ध? किसमें इतना साहस, इतना बल है जो तंबकासुर का सामना भी कर सके, उसके सामने टिक सके? इस सृष्टि के हर जीव में उतना ही बल है, उतना ही साहस है, जितना कि तुम अपने स्वयं में अनुभव कर रहे हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तुम इस सृष्टि के सबसे निर्बल जीव को युद्ध के लिए चुन लो। तुम इस सृष्टि के सबसे निर्बल जीव को युद्ध के लिए चुन लो। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुम उसे पराजित कर दोगे, तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। ठीक है, मैं इस निर्बल गौ को युद्ध के लिए चुनता हूं।
संपूर्ण सृष्टि का भार उसका दायित्व आपके ऊपर है। आपके भीतर समस्त देवताओं की शक्तियां समाहित है। इसलिए तंबकासुर के अत्याचार से इस संसार को आप ही बचा सकती हैं। रक्षा कीजिए इस संसार की। ग्रामवासियों, अब हम गौ माता की सुरक्षा एवं उनकी शक्तियों के लिए गौ चालीसा का पाठ करेंगे। जय 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 गो माता, भव भय भंजन जन परित्राता, ममता मई रुद्रों की माता, बल वैभव जग तुमसे पाता।
बहुत हो गया शक्ति प्रदर्शन। निर्बल गऊ, बहुत कर लिया तुमने शक्ति प्रदर्शन। अब केवल मेरी शक्ति का प्रदर्शन होगा, तम्बकासुर की शक्ति का। जो तुझे शव में परिवर्तित कर देगा। अभी अविलंब मैं तेरा वध करूंगा। यदि स्वयं को बचा सकती है तो बचा ले। हे गौ माता, ये क्या करेगा आपका वध? अंत समय तो इसका आ गया है, इस पापी का। गौ माता उठिए, गौ माता उठिए, तथा इस संसार को इस तम्बकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। केवल आप ही तो हैं जो इस संसार में विराजमान देवी देवताओं को इस पापी और बर्बर के अत्याचार से मुक्ति दिला सकती हैं। आपके शरीर में समस्त देवी देवता समाहित हैं। इन सबकी शक्तियाँ आपके भीतर हैं। आप तो इस संसार में सर्वशक्तिमान हैं अभी माता। उठिए माता उठिए, अपने भीतर संचरित शक्ति की अनुभूति कीजिए। माता गौ माता उठिए। Thank you.
भूषित स्वर्णचार आभा से मंडित जीवन तेरा यज्ञ स्वरूपा जगत वंद्य तव रूप अनुपा श्रेय प्रेय कल्याण प्रदायिनी गौ माता है मोक्ष विदायिनी जय 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 गौ माता जय 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 गौ माता जय 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 गौ माता। मूर्ख गऊ, तू मुझे नहीं मार सकती। न शस्त्रधारी मैं अंत से परे हूं, अंत से परे, क्योंकि मुझे अमृत का वरदान प्राप्त है, अमृत का, वो भी त्रिदेवों से। माता, भेद प्रकट हो गया, आप इसे अपने सिंहों के द्वारा मारिए, क्योंकि आपके सिंह शस्त्र नहीं है और इसने वरदान प्राप्त किया है शस्त्रों से न मरने का। अतएव आप अपने सिंहों से प्रहार कीजिए इस पर। इसके अंत का एकमात्र अस्त्र वही है, अतएव आप अपने सिंहों से प्रहार कीजिए इस पर। अपने रक्षार्थ यहां से भागना होगा, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है। पलायन ही एकमात्र उपाय है। गौनामा
ब्रह्म सुता सब तीरथ धामा। सुरति कामधेनु को नामा ब्रह्म सुता सब तीरथ धामा। सुरति कामधेनु को नामा ब्रह्म सुता सब तीरथ धामा। गाय पे अत्याचार जी करी है निश्चित अंत दुखद पई है। गाय पे अत्याचार करी है निश्चित अंत दुखद ते पई है। गाय पे अत्याचार करी है निश्चित अंत दुखद ते पई है। ओ भक्त पे कृपा कर गो माता दुष्ट के प्राण हरे। कृपा करे गो माता दुष्ट के प्राण हरे गो माता। भक्त पे कृपा करे गो माता दुष्ट के प्राण हरे गो माता। ये स्थान सुरक्षित प्रतीत होता है। यहां मुझे वो हिंसक गौ खोज नहीं पाएगी। कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। मैंने अमृत का वरदान प्राप्त किया है। मैं नहीं मर सकता, नहीं मर सकता मैं। मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। दीर्घायु होता है केवल धर्म और पुण्य। पापी दुराचारी एवं अत्याचारी के लिए इस संसार में कहीं कोई स्थान नहीं। जो अत्याचार तूने किए हैं उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा और उसका केवल एक ही दंड है मृत्यु। और उसका केवल एक ही दंड है मृत्यु। तमकासुर तेरी मृत्यु ही तेरे अत्याचारों का दंड है। नहीं, नहीं, मेरी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती, कदापि नहीं। चित्कार से सत्य का स्वरूप नहीं बदलता तमकासुर। तुझे क्या लगा था कि गौ निर्बल होती है, अक्षम होती है? नहीं तमकासुर, नहीं। आज तेरी मृत्यु के साथ साथ संसार से तेरे अधर्म और तेरे अत्याचार का भी अंत हो जाएगा। असंभव, असंभव। जो तू कह रही है वो असंभव है मूर्ख स्त्री, असंभव। Thank you.
तमकासुर की है। इसका अर्थ ये हुआ कि गौ माता ने तमकासुर का अंत कर दिया, मिटा दिया इस संसार से पाप, अधर्म और अत्याचार का अस्तित्व। जय हो गौ माता, आप धन्य हैं। मारुति, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आज आपके कारण असुर तमकासुर का अंत हो सका तथा संसार की और समस्त देवताओं की रक्षा हो सकी। नहीं माता, जो हुआ वो मेरे कारण नहीं हुआ। सही अर्थों में जो किया वो तो आपने किया, इसलिए धन्यवाद की पात्र तो आप हैं। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, किंतु आपने तो धर्म का निर्वहन किया है। यदि आप न होती तो तमकासुर का अंत असंभव था। आप सच्चे अर्थों में जगत माता हैं। चलिए माता, पृथ्वी लोक पर सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ऋषिवर, ये क्या हो गया? ऋषिवर, अचानक ये ग्राम वासियों को क्या हो गया? ये अचेत क्यों हो गए? जामवन जी, इन सब पर से जीवंती बूटी का प्रभाव समाप्त हो गया है, इसीलिए ये लोग अचेत हो गए हैं। तो अब क्या होगा ऋषिवर? अब तो मात्र एक ही उपाय है, पंचगव्य। पंचगव्य? हाँ जामवन जी, लेकिन शीघ्र ही ग्रामवासियों को
गौ के पंच तत्व से बने पंच गव्य का पान नहीं कराया गया तो इनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। ये तो बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है ऋषिवर। ऐसे में ना तो प्रभु हनुमान है हमारे साथ और ना ही गऊ है। पता नहीं अब क्या होगा ऋषिवर, अब क्या होगा। सब मंगल होगा महाबली काका। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। प्रभु प्रभु आप आ गए। हाँ महाबली काका, और साथ में गौ माता को भी ले आया हूँ। जय बजरंग बली। अब चिंता की कोई बात नहीं है ऋषिवर, गौ माता ने तंबकासुर का अंत कर दिया है। और अब वही उसके द्वारा प्रत्यारोपित विष से ग्रामवासियों की रक्षा करेंगी। हे गौ माता, अब आप अविलंब अपने हाथों से इन ग्रामवासियों को पंच गव्यों का पान कराकर इनकी जीवन रक्षा करें। चेतना में आइए, चेतना में आइए, चेतना में। आंखें खोलिए ग्रामवासियों, आंखें खोलिए। धैर्य रखिए जामवन जी, विष का प्रभाव समाप्त होने में थोड़ा समय लगेगा। इन ग्रामवासियों के ऊपर आया हुआ संकट अब टल चुका है। ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कहाँ जाने हैं तू, आज्ञा मांग रही है माता? एक अधूरा कार्य पूर्ण करना है मारुति। अधूरा कार्य? कैसा अधूरा कार्य? एक ऋषि ने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पे। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। जाइए गौ माता, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। मुझे उनके जीवन की रक्षा करनी है, इसीलिए जा रही हूँ। हित और हम सबका हित इसी में है कि इसी समय
इस ग्राम को छोड़कर चले जाओ। ये अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे इसी ग्राम में आप लोगों के साथ। देख से क्या हो, पीट पीट कर मार डालो से।